हाय गाइस, इधर आओ। हम आपको आज ब्लॉग में, आज हमारा नया ब्लॉग है और इस नए ब्लॉग में बहुत ही किचकिचानी आ रही है। हम इस ब्लॉग में, नए ब्लॉग में आपकी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ बनाकर दिखाएंगे। तो हमारे साथ प्लीज़ प्लीज़ बने रहिए, क्योंकि ये बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और इस टाइम आप लोग हम लोग को दीजिए। तो जस्ट मैं नहीं, वो करेंगे, वो जानते हैं और आप लोग इसको देखकर हंसेंगे, ये ठीक है। तो आइए हमारे साथ। तो फर्स्ट ये हम क्यों कर रहे हैं ये आपको जरा बताएंगे, तो प्लीज़ आइए हमारे साथ। देखिए गाइस, ये हमारा घर के एक छोटा सा गार्डन है और इस गार्डन में क्या क्या है हम आप लोग को बताइए ज़रा। ये है गोभी, टमाटो फ्लावर, मैरीगोल्ड फ्लावर और बैंगन है, आलू है, छोटे छोटे 2-3-4-5 पेड़ है, ज़्यादा पेड़ नहीं है। लेकिन इसको रक्षा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यह हमको बाद में बताएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए ये धनिया पत्ता है ना, धनिया पत्ता कुछ कुछ यहाँ पर हुआ है, सब मूली, मूली ये सब मुली नहीं हुआ है, कुछ कुछ हुआ है। और ये है मूली का बागन, हाँ गार्डन, मूली मिट्टी के नीच पर होता है। और पालंग जो है, पालंग ये पालंग है तो छोटे छोटे अभी मिट्टी से निकलती है, निकाला है पालंग, बड़े नहीं हुआ है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे इतना एक मज़ेदार चीज़, आप बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो देर ना करके आप बनाइए, और इसके लिए क्या क्या चाहिए वो आप देखिए ज़रा। ये बनाने के लिए फर्स्ट दो लंगड़ी चाहिए और एक रस्सी, दड़िया चाहिए। रस्सी कहते हैं, रस्मी कहते हैं, रस्मी नहीं। उसको सिखाते सिखाते हम भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि वो बंगाली है, ये सब लोग देखेंगे और बोलेंगे तुम भी है बंगाली। देखिए ये बहुत ही शर्म करते हैं और चले गए, ये हमारा बगल में ही रहते हैं। लकड़ी, ये एक लकड़ी, ये लकड़ी फर्स्ट हम प्लस साइन को बांध दीजिए, प्लस साइन को बांधा दीजिए। अच्छा डिम नहीं है, ये हम प्लस साइन करके बांध दीजिए रस्सी से। प्लीज़ फ्रेंड्स लोग, आप समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी इसको थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आपके साथ रहने में वो हिंदी ठीक ठीक बोलेंगे और आएंगे। और वो मानना भी नहीं चाहते, इसलिए मुझको मेरे साथ झगड़ते हैं और मैं भी ठीक नहीं जानते हैं है, ये रस्सी को और ज़्यादा टाइट करके बांध दीजिए। पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप डरेंगे नहीं इससे जो बना रहे हैं। वेट वेट कीजिए बेटा, ये देखिए ये एक प्लस साइन का होगा, ये बन गए प्लस, बन गए। तो इसके बाद क्या करेंगे? और ये काम ये है, ये और ये दो काम है, तो जल्दी से दिखाइए ये क्या है, आप बोलिए। ये देख लीजिए, ये एक पुराना इसको कपड़ा यूज, है, इसको यूज इसको नहीं करते हैं, यूज नहीं फेंक दिए हैं, पुराना एक कपड़ा है, साठ, इसको एक साठ पर पहना दीजिए, यो इसको एक साठ पहन दीजिए, मुझको मुझे पहना दीजिए। उस प्लस साइन को ये उसका हाथ पर लग गया क्या, अभ्यास नहीं है, जब छोटे थे ना तब करते थे और ज़्यादा अगर बात कहेंगे तो वो और नहीं करेगा, चला जाएगा छोड़कर गुस्सा में, इसलिए साठ तो फट चुका है।
फट चुका है और ये बोतम बटम तो ये तो एक मैन के जैसा लग रहा है, एक मैन को जैसा लग रहा है, क्योंकि हम गांव में गांव वाली तो ये पाखी पोखी हाँस मुर्गी गाज को जो पेड़ है छोटा 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 वाला पेड़ लता वाला पेड़ बहुत ही परिश्रम से जब हम गार्डन बनाता है ना तो उसको रक्षा करने के लिए ये सब अगर आप मिट्टी में ज़्यादा दिन तक रख दे तो पोका जो मकड़ी होते हैं और बाढ़ आते हैं छोटा छोटा बाढ़ उसको आकर जो छोटा वाला पेड़ है कमजोरी पेड़ को नष्ट कर देते हैं और इसीलिए इसको बनाना है। तो फिर देखिए मज़ा तो अब आएगा, मज़ा अब आएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे तो हमारा घर में जो बूढ़िया है वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो बूढ़ी को हम ये हमारा ग्रैंडमा है, इसको दिख लीजिए, ये है दही का भंडे। देखिए इसको क्या करे है, इसका मुंह पर देखिए कैसा लग रहा है, ये दो आंखें हैं और ये गोफ है और नाक है, डर सकते हैं जो बर्ड है जो नष्ट कर देते हैं ना तो ये इसको डरते हैं। ये है ये? उस मैन का सर, ये मैन का सर, उस व्यक्ति का सर जो व्यक्ति जाओ गिर गए। देखिए अभ्यास नहीं है तो क्या करेगा, कब छोटे छोटे जब थे तब करे थे। देखिए जो गार्डन को रक्षा करेगा ना तो यही वो आदमी है जिसको कहते हैं कोयल। कोयल आप कोयल। समझते हैं ना कोयल बंगला, बंगला में क्या समझते हैं जानते हैं, ककताड़ुआ। इसको बंगला में अगर रात में इसको देखकर अब डरेंगे तो मैं नहीं जानता हूँ। देखिए तो हमारे घर का एक छोटे बच्चा है इसको बहुत ही डरते हैं। यहाँ पर लगा दीजिए यहाँ पर ये। तो ये एक सच्ची सचमुच एक मैन के तरह बन गई, मुंडू घूम रहा है, रक्षा कारक की तरह बन गई, मुंडू घूम रहा है, क्या करे मुंडू तो रहा है। वो सचमुच मुंडू डोना से देखिए वो बाय बाय घूर रहा है तो देखिए फ्रेंड्स यही आप लोग को हम दिखाना चाहते थे। तो इसको क्या कहता है हमें मालूम नहीं, कोयल कहते हैं, तो ये हिंदी में कोयल का कहता है। तो अगर आप लोगों ने आपका अच्छे गार्डन किया है तो एनिमल या मुर्गी हेन हमें हिंदी नहीं आता है प्लीज़ आप समझिए, तो वो जब आए आपका गार्डन को नष्ट करेंगे तो ये इसको देखकर वो सब डर जाएंगे तो आपका ये रक्षा करेंगे, इसको कहते हैं कोयल। प्लीज़ गाइस आप लोग भी बना लेना। और हमारा यहाँ पर लगाना का उद्देश्य है कि ये देखिए छोटे छोटे मिट्टी से छोटे छोटे पालंग बुना है बीज से फट कर। अभी ये देखिए लीजिए बीज है, ये है छोटा छोटा बीज है, तो ये मिट्टी से सीड, ये छोटा छोटा पेड़ है, पालंग पेड़ है, छोटा बोलता है ये है। वो ऊपर में देखिए ये कोल गाछ जुजुबे तो अभी हिंदी नहीं आता तो आप जरा समझ लेंगे हम बोलते हैं। तो देखिए ये रक्षा करेंगे रात में सुबह में शाम में सब दिन ये रक्षा करेगा। तब जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तब इसको रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप तोड़ सकते हैं और अलग रख सकते हैं। फिर जब आप गार्डन बनाएंगे तो रक्षा करने के लिए फिर आप इसको बना लीजिएगा। कैसा लगा आज का ब्लॉग, आज का एक काकताड़ुआ को कैसा लगा काकताड़ुआ को, एक हिंदी में कोयल बोलता है आप जानते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग में बने रहे और इस छोटा सा ब्लॉग आप लोग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए। आज के लिए हम यहाँ पर
खत्म करते हैं, फिर करते भी आएंगे नए ब्लॉग के लिए और मजेदार चीज को लिए लेकर। बाय बाय, थैंक यू।